आज की इस वीडियो में हम संस्कृत में लिंग कितने होते हैं इसको समझेंगे उदाहरण के साथ। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, संस्कृत में लिंग का बड़ा महत्व है। संस्कृत में शब्द लिंग परिचय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पुल्लिंग क्या है। लिंग, सबसे पहले हम लिंग को ही समझ लेते हैं कि लिंग क्या है। संस्कृत में शब्दों के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्री या पुरुष या अन्य रूप में होने का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जिनको संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार समझ सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्द किम भवती भवंती, यहां से देखेंगे संस्कृत में शब्दों का वह रूप जो मनुष्य जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंगम कहते हैं। जैसे यहां से आप देख रहे होंगे, बालक, छात्र, पुरुष, देव, पिक, भल्लुक, सिंह, मयूर, अश्व, सूर्य, घट, नृप, मुनि, पति, कवि, हरि, कवि, यति, विधि, निधि, वहिनी, व्याधि, भूपति, सेनापति, भानु, विदु, विष्णु, शिशु, वायु, मृत्यु, बाहु, गुरु। इसमें एक चीज हमने और नोटिस की होगी, देखा होगा कि कुछ शब्द यहाँ देखने में तो स्त्रीलिंग जैसे दिख रहे हैं, मगर उनको हम पुल्लिंग में रख रहे हैं। तो इसके कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत इनको पुल्लिंग में रखा जाता है। ऐसी हम स्त्रीलिंग को उदाहरण से समझेंगे। संस्कृत में शब्दों का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंगम कहते हैं। इसके भी हम उदाहरणों को देखेंगे। स्त्रीलिंग के उदाहरण क्या है, बालिका, बालिका, छात्रा, महिला, कलिका, चटका, अजा, तुलिका, घटिक का, लता, नौका, मक्षिका, वर्षा, वीणा, मति, भक्ति, रुचि, शांति, नीति, जाति, नदी, पार्वती, गौरी, देवी, त्रिलोकी, कौमुदी, धेनु, तनु, रज्जु, रेणु, चंचु, वस्तु, तालु, जानु, जानु, तरु, मधु। अब यहाँ हम एक चीज और समझ लेते हैं, पहले मैं नपुंसक लिंग को और हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे नपुंसक लिंगम किसको कहते हैं। सब संस्कृत में शब्दों के जिस रूप से नपुंस और न जाति और न स्त्री का बोध होता है उसे नपुंसक लिंगम कहते हैं। जैसे पत्रम, पुष्पम, कमलम, फलम, उद्यानम, ग्रहम, सोपानम, उपनेत्रम, यानम, नयनम, कंदुकम, वस्त्रम, पात्रम। यहां ध्यान रखने योग्य एक और बात है कि जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं, तो संस्कृत में पुल्लिंग की जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखते हैं किसी भी शब्द की, तो उसमें विसर्ग आते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे सब के बाद में विसर्ग। यदि हम पहचान करना चाहें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है संस्कृत में, तो उसके बाद में विसर्ग आते हैं। जैसे यहाँ बालक आया है ना, बालक, छात्र। और संस्कृत में स्त्रीलिंग को बिना ऐसे के ऐसे, जैसे हिंदी में लिखते हैं, जैसे छात्रा हिंदी में वैसे ही लिखते हैं, महिला ऐसे लिखते हैं, चटका, अजा, बालिका, वर्षा, वीणा, भक्ति, रुचि, तो यहाँ SH जैसा हम हिंदी में लिखते हैं वैसे ही हम प्रथमा एक
प्रथमा एक वचन होता है, ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं संस्कृत में। और जो नपुंसक लिंगम होता है उसके बाद में हम यहाँ मैं जोड़ देते हैं, जैसे पत्रम मैं आता है, सबके बाद में मैं आ रहा है प्रथमा एक वचन में। कमलम फलम उद्यानम गृहम सोपानम, तो ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये इस तरह से भी हम इनमें स्त्रीलिंग और पुरलिंग और नपुंसक लिंग में भेद कर सकते हैं कि जब हम ये लिख रहे हैं फलम, तो यहाँ जो फलम है यहाँ इसमें मैं जोड़ा गया है। यदि हम लिखते हैं नरह तो क्या है नरह, पुरलिंग क्योंकि अह आया है। यदि हम बात करें रमा तो रमा क्या है, स्त्रीलिंग क्योंकि इसमें बिना किसी विसर्ग और मैं के लिखा गया है। तो ये क्या है, रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, नरा क्या है, पुरलिंग है, और फलम क्या है, नपुंसक लिंग है। इस तरह से भी हम भेद कर सकते हैं स्त्रीलिंग पुरलिंग और नपुंसक लिंग में।